मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल में भाई पर जानूंगा। आड़े तो सीधी पासिंग इसकी खोर में है, यहां से सीधा खोरमा होगा जेली ठाई, और जितने की जरूरत हो यो काट लो। फिर इस तक के फायदा लो आप भाई, इस तक जी आप बना गैस यो रेगुलेटर मान लेगा, इस पे बनेगा देख लिए भाई बिल्कुल एक का 20973, एक का 20 किलो 113 ग्राम, ये होगा भाई साहब। एक थी इसमें थर्ड टाइमर, एक थी सेकंड टाइमर, और आगे चल के भी अगर अच्छा दूध काट देंगे तो इनकी लाइव मिल्किंग करवाओगे। कठिया ब्याह है ना भाई साहब, कठिया ब्याह है जी, कागली बदली। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंदर ओली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज की वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो भाई ने कहा अगर है अजय भाई मैं पशुपालन में काम करना चाहूँ, मैं डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहूँ, किस तरीके से करूँ, तो छोटे से छोटा क्या कुछ फायदा है, किस तरह से आपको मैनेज करना है, हर एक बात बताने के लिए बार बार मैं भी धन्यवाद करता हूं भाई सौरभ भाई ने स्पेशल इनवाइट करे हैं। अब भाई हम इस तरह से पशुपालन करते हैं, युवा भाई अगर यह वीडियो देखें तो वो भी एक पशुपालन में किस तरह से आप काम कर सकते हैं ये चीज सीखें। आज पहुंचेगा सुंदरहट्टी जिला झज्जर में सौरभ भाई के पास में, बार बार स्वागत है भाई का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर। काम में इतने व्यस्त रहे हैं, खेती का है, घर का है, पशुओं का है, इब खेत में आया सीधा भाई, खेत में आपका फोन आया जब खेत में ला रहे, और सब ठीक है भाई जी। तो सबसे पहले तो बता दो भाई अपनी क्वालिफिकेशन क्या है भाई। ग्रेजुएशन कर रहा करके बीएड करने लग रहा हूँ, अच्छा वो कंप्लीट हो ली है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र है 27 साल। 27 साल उम्र है तो भाई सौरभ भाई फिलहाल बीएड करने लग रहे, कर ली भाई साहब, होगी कम्प्लीट हुआ अभी, बहुत बढ़िया भाई। और पशुपालन में जो इन तरीके अपनाए हैं, जो जो इन दिमाग लगाया है भाई ने, कहा किसे तो नहीं पूछी हमने, तो भाई खुद ही जो कहा है ना जुगाड़ बना दिया हरियाणा में, वे जुगाड़ बनाए हैं, और वे भाई आप भी देखियो, और न्यू नहीं कि भाई सिर्फ जुगाड़ बनाए हैं, बढ़िया दुधारू पशु भी घर पर तैयार करे हैं। कितने पशु हैं टोटल? ये भाई लगभग 20 करीब हैं, काट डुआन मिला की सारन सारन है, ये पीछे जितने भी है तकरीबन सारा यो पशुओं का परिवार है, यो अपना ही खड़ा है, यो सारा अपना है, कुछ प्रेन है पांच सात है भाई साहब, यो ट्रैक्टर खड़ा है भाई, खेती बाड़ी में भी पूरा इंटरेस्ट है अपना है, ये अपना औजार है, ये अपना खेती है, ये अपना। अच्छा जी, पहले भाई पशुओं दिखा दें फिर तरीका दिखाओगे कि पशुपालन में आप काम को कैसे आसान कर सकते हो, भाई खेती बाड़ी भी साथ साथ चलती रहे और भाई पशुपालन में भी अपने ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले नंबर पर सौरभ भैया अच्छे टाइट ले उठेगी है, टाइम तो करीब मान लो 3 बजे हैं, 3 बजे वीडियो बनाओ है, धार किस टाइम का डारो? धार का टाइम है अपना भाई 4 to 5 के बीच में, सारी काट दो, सारी काट दो। और ये सारी रिंगण क्या थी लगी छोटी तो बड़ी, इसके एक के खोलते? ये भाई सा काम है, ये कट्ठी पड़ी है, अच्छा एक खुट्टा बंद है, कट्ठी खावे है, 3-4 सब एक एक बैच की है। कहने का मतलब है जिसा अकलास इन पशुओं में है, ईसा अगर किसी भी परिवार में होड बड़ा कुणबा हो तो जय हो जाए भाई, जय के भाई, तो फिर रोकना किसी के बस की बात नहीं। सही बात कही भाई ने, क्योंकि एकता में बल है, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ कर रहे हैं चीज। तो के डिटेल है भाई साहब इसकी? यो भाई 3रा ब्यांत की, अच्छा, और भाई का चल डीबी का रिकॉर्ड है 20113 ग्राम का भाई, इसका 20 किलो 113 ग्राम, 20 किलो 113 ग्राम थर्ड टाइमर ने इसने रिकॉर्ड करवा दिया भाई अपने HLDB में रिकॉर्ड करवाया। और कैमी नहीं भाई थी उस टाइम पे या? ये भी आ भाई 25 दिन की लागे उस पर टाइम पर 27 दिन की ने इसने कटवाया, 27 दिन की ने कटवाया था, डोका डाका तो नहीं कर गया? डोका इन्होंने करवाया भाई, डॉक्टर जी का लेट हो गए, लेट हो गए भाई जी। तो भाई ना तो कितना दूध काटा अपने घर इसने टोटल? 21 किलो तो या काट देते अपने घर पर काट दिया है। नॉर्मल चराई के पशु हैं भाई ये, और देखो आप इतने पशुओं में और 2-3 का दूध कटवाना को छोटी बात ना हो भाई, तो इसने 21 किलो के करीब अपने घर पर काट दिया है, तो क्या विचार भाई इसका सेल शाल करने का? भाई सेल का तो नहीं बनेगा, इब्बा नहीं है कोई विचार है। तो आगे भाई नु चाह देखो हमने खुट्टा बदली कराया इसका भाई, हम इसने हॉस्पिटल में ले गए तो हम कहीं ना कहीं मानना है थोड़ा कम दूध दिया, आगे इसकी लाइव मिल्किंग कराने का विचार है, बिल्कुल करवाओगे भाई। तो भाई या जो है एक नंबर पे है, इसने अपने घर पे 21 किलो दूध दे रखा है, तीसरे ब्यांत में थर्ड टाइमर ने,
और HLDB में 20 प्लस जीरा HLDB में 20 प्लस का डे है, उसका रिकॉर्ड भी अपने पास में, वो भी आपने दिखाऊंगा। दो नंबर लिया भाई साहब। अरे चोत समूह वाली, ये चोत तो सरकार दे रही थी, ये डगरा ने काट दिए सारे के गोबर ठाऊं ना तेरे थाने एक सार और ना तेरी खोला के थाने एक सार। एक तो बाल्टी के कान्ने लगा हुआ है और एक मुठ्ठी में ना अंता और एक में पूरी धारा में है, एक में दो चार टोपियां कती है। इसका यू इलाज है? ना ना मारिए ना। अरे तेरे को ना मरदा, वो दवाई ले रखी है ना राइट एच। हाँ वो दिया कर इसने तड़की सांझे। याद देखो ना रही, तेरे खाना बड़ा याद रहे है, फुल दी आवे है, डंगरा कन भी देख लिया करे। अरे टेम पे दवाई देगी ना सारे काम ठीक होंगे, ल्योटी भी बनाएगी और दार भी एक सार आवेंगी। दे दूंगी 24 घंटे मेरे खाने पे ना बिरडा कर। तो सरक जा, यू है ल्योटी का इलाज और थाना का इलाज भी राइट एच। और यह है भाई जो दो नंबर पे आई ट्वीट की, बड़ी अच्छी आइट की है भाई, क्या डिटेल है इसकी? यह भाई दूजन है और 21 कार्ड रखा है भाई इसने HLDB में इब कर। 21 किलो में थोड़ी ही कसर रह रही है, 20973 27 ग्राम का, क्योंकि मैंने वो पर्चा देखा था वहाँ 27 ग्राम के लगभग कमी है, पर 21 किलो का मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 ग्राम कम, 21 किलो दूध भाई इसने काटा है दूजन ने, सेकंड टाइमर ने। कद काठी की भी बहुत सुतरी, अपने घर की है ना भैया? सारी घर की भाई, एक भी कोई भी खरीदा, कोई भी पशु नहीं खरीदा, तकरीबन सब के सब अपने घर के हैं। एक इनकी माँ खड़ी है, वाइफ सातवा आठ में ब्याह होगी, वाइफ का सातवा ब्याह होगी भाई। और ये चीज भाई मैं आगे तक न्यू बता दूं, कई भाई नु कहे जानकारी दे दी वीडियो में आप भाई ने, तो पहले जब आके बैठे हैं बोल बतलाओ हैं 5-7 बातचीत, तो उन मई चीज जाकर हो जाए तो फिर वे याद रह जाए तो बता दें भाई। तो इनकी माँ खड़ी है भाई इन दोनों तीनों की, और फिर आ गई ये और से भाई डाइट प्लान में के कुछ खवाया आपने जब न्यू हो गया कि HLDB की डेट आ गई, के खिलाया था उस टाइम पे इनते? एक सप्ताह तक ही पशु में नाम कुछ ज्यादा नहीं गिर रहा। अच्छा, क्योंकि वह मेला तगाजा छट जा वो तगाजा तो आगा नया दिन है हो जाए। अच्छा, हम साधारण जो अपना दलिया है, सोयाबीन की चूरी है, तना का फोलकर है और बिंदोड़ा है, ये सी चीज डाले रहे, इसने आराम कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला भैया। डाइट खवाई है भाई ने जब लाइव मिल्किंग मतलब HLDB में दूध रिकॉर्ड करवा दोनों का, और एक लाइन में बंद गई ने खाया है, जो ओरा ने खाया वो इन खाया है भाई, और जब दूध तलवाया है यो, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कभी भी दूध तलवाओ तो मानसिकता ये ना रखें एकदम तो हम इसके भीतर छोड़ दें सबके, हम भाई कई कई किसी तरीके की बोतल पिया दें, भाई कोई लीवर टोनिक दे दें, ओवरडोज हो जाए एकदम तो पशु दूध तक घटेगा, बदलेगा नहीं, बिल्कुल घटेगा जी, कोई इलाज नहीं इस चीज का, कोई भी और ज्यादा खा ही नहीं सकता। अच्छा जी, इंसान खा सके ना डंग, नॉट फॉर सेल है अभी भाई इस तरह, तीसरे ब्याह तो और अच्छी उम्मीद है 22-23 किलो की। ईब कहे थी भाई साहब, ईब को होगी वैसे डोका मांगी, चलो कोई बात नहीं भाई साहब, हिम्मत करा में माती है, करते रहो आप तैयारी आगे भाई की, लाइव मिल्किंग आपकी जोटिया की जरूर करेंगे भाई इस चीज की, जब भी दूध तैयार हो जाए 2-3 दिन पहले आप बता दियो। अच्छे बढ़िया लेवटे की है, ऑर्डर पर नशे आपने दिख गई होंगी, कितने दिन की बही होली भी यार? या भाई होली 2 महीना तो ऊपर की, 2 महीने तो ऊपर की बही होली। ईब कितना दूध दे रही है? ईब जी लगभग इसका 17-18 इशार है, 17-18। फिर पशु चोखे हैं, दुधारू भी हैं अपने पास में भाई, काम अपना दूध सेल करने का है? केवल दूध अपने विट्टा का डेयरी है उड़ा वो पहुँचा दे। अच्छा, डेयरी पर पहुँचा दे? हाँ जी, डेयरी पे डालना है भाई, विट्टा का जो गांव में डेयरी है उसमें दूध दिया है। कम मानना इसमें पर 11वीं 12वीं पिड्डी की भैंस है हमारी। अच्छा जी, लगातार 11वीं 12वीं पिड्डी की भैंस है। हाँ जी, के कुछ डिटेल है भाई इसकी? या भी ईब का ब्याह होगी 7 में, 7वां ब्याह था इसका। हाँ जी, 6 ब्याह 42 4 काटड़ी और 2 काटड़ी ले गई, 2 काटड़ी लेकर आई है। हाँ, और 6 काटड़ी लेकर आई है। हाँ, तो न्यू परिवार बढ़ गया भाई। ये दोनों जो दिखाई हैं जिन दूध तो लिया भी इससे ही नहीं, नहीं जी। और मारे गणने के है, मारे गणने जी 2 खरना है, एक या है। अच्छा, एक जो वो दूसरी जिसका नाम लक्ष्मी बताया 20+ बताई है 20 की, वो दूसरा खरना की, मारा 2 खरना है, 2 खरने की है भाई। और जो वो लक्ष्मी है उसका हमने कुछ नहीं बेरा जी, वह दादा लाई मारा खरना, दादा लाई खरना है जी, हमने नहीं बेरा, वो 50 साल पुराना है, वो 60 साल पुराना है। अच्छा, उसका आपके पिताजी ने भी नहीं पता भाई कितना पुराना खरना है, सरूते चलता रहा है, कदे ते रख। इसने कितना दूध काट रखा है? इसने जी HLDB में 22.5 काटा है, हर घर ने पूरा 25 किलो, 25 किलो काटा है। कितना टाइम रह गया ब्याह का इसका? इसका भाई साहब दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में ब्याह होगी, ब्याह लेगी। अच्छा, करीब का पहली बैसा हुआ है, नहीं तो 6 ब्याह तो मैं तो 4 ब्याह 4 दिसंबर ने ब्याह ही हो, 4
आई बार 4 दिसंबर की है। देखिए भाई, मतलब ब्रश ब्यावड़ कैसे कहें इसने, आप कोई संकोच नहीं है। तो ये तो दिखा दिए भाई दुधारू पशु हैं जो, वो तकरीबन आपको एक बार वो रिकॉर्ड और दिखाइए अंकल जी। राम राम अंकल जी। राम राम जी। एक बार दर्शकान और कर दो। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया। तो भाई ने बताई है कि भाई एक खरना तो हमारा ही सा है कि हमारे पिताजी ने भी नहीं बेरा भाई, कितना पुराना हमारा। हाँ। अब भाई हमारे पड़दादा भी रखते हो मन मन में, चोखा पुराना खरना है। भाई ये जितने भी पशु हैं, आपने एक बात और बता दूं, कोई अपना सर्वेंट तो नहीं रख रखा करा? सारे रल मिल का काम करा सब। ये हमारा सहायता करता है जी। अच्छा जी, ये हमारे तो। क्या नाम है इनका? इनका नसीब है जी। नसीब जी, बहुत बढ़िया भाई। इतने पशु हैं तकरीबन, ये जितने मेंबर खड़े हैं आप देख रहे हो, मन छोड़ गए, ये सारे काम संभालेगा। न्यो बात होगी। और भाई ईब उड़े ले चल रहे हैं, जो प्लांट की मैं बात करूं था, गोबर तभी आप के फायदा ले सको हो, जो भैंसा का गोबर है उसके क्या क्या फायदे भाई ने अपने घर में इस्तेमाल करें वो दिखाऊंगा। और ये भाई रिकॉर्ड है जसवीर, जो दो दिखाई है भाई इनका, हमने मिल्क रिकॉर्ड करवा रखा है। यो एक का 20973, एक का 20 किलो 113 ग्राम। ये होगा भाई साहब, एक थी इसमें थर्ड टाइमर, एक थी सेकंड टाइमर। और आगे चल के भी अगर अच्छा दूध काटेंगे तो इनकी लाइव मिल्किंग करवाओगे। कट्ठिया ब्याह है ना भाई साहब? कट्ठिया ब्याह है जी, अगली बार देखो। दोनों होली नहीं कट्ठिया ब्याहूंगी जी। कट्ठी ब्याहूंगी दोनों नहीं रलदी भाई, डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई सीमन दरवाया जी। ईब का M466 कटक पर रखे दोनों आ गए। दोनों आ गए M466 का सीमन रखवा दिया भाई ने। और देखो भाई एक या है, फर्स्ट टाइमर है भाई, या फर्स्ट टाइमर है भाई, 16 इंच ने काट रखा है, 16 किलो काट रखे ने। पर भाई ने तो एक जैसा पशु है, भाई चमड़ी ते के लेना है, लेना तो दूध तो है, दूध कितना कट है ये तो। बढ़िया जोटी है, यह चीज आपने देख ली होगी, हाइट की, अडर की, कद कट्ठी की अच्छी है। 16 किलो दूध इन्हें काट रखे है फर्स्ट टाइमर ने। अगली लो भाई साहब, या भाई साहब सात में ब्यारी है, ये दोनों कट्ठे जन्म की है जो वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ब्याह होगी या रेरी? या सात में ब्यारी है। हाँ, या कितने दिन की ब्याई है? या होली भाई लगभग महीना की। कितना दूध है ये भाई साहब? इसका 19-20 न्यू रहे, 19-20 रहे। हाँ। सात में ब्यात में या हर जो अगली, या भाई जो ईब दिखाई थी सात में जो, उसकी बेटी है भैया खार की, या फर्स्ट टाइमर है। इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? या ये फिलहाल भाई 16 ते ऊपर भी कर दे है, पर 16 ही मान ले, 16 किलो मान ले भाई। देख सबसे बढ़िया एक चीज देखी मैंने आपके पशु, हम तकरीबन हाइट के तो सारे बढ़िया। हाँ, तकरीबन जो फर्स्ट टाइमर दिखाई है अच्छी हाइट से भाई, नीचे की भी सुथरी है, बढ़िया ऑर्डर है भाई फर्स्ट टाइमर का। 16 प्लस चल रहा है इसमें दूध? हाँ 16 प्लस है जा, क्योंकि देख सौर भाई अपन यू तो बताना है कोनी, अगर 16.5 हो तो 16 बताना है ना, तो आपने बेचनी अगल से, सिर्फ जो चीज होगा सच्चाई दिखाओ कि सब भाइयों ने भाई वीडियो देखे हैं, हरियाणा के नहीं अदर स्टेट के भी भाई देखे हैं, ताकि उनने भी न्यू पता चल रहा भाई अगर 16 का पशु है तो वो स्त्रिया का पशु है हरियाणा में, उसके नीचे इतना दूध है, तो एक नॉलेजेबल वीडियो हो जाए बिल्कुल, जिसका पता चला भाई लोगों ने अखा इस तरह का पशु है भाई वो इतना दूध काट दे ना, तो देख हर कोई न्यू बता दे भाई 18 17 18 17 18 गलत है जोटिया के भी। हाँ जी, हाँ जी। वो गलत हो गया हुआ चीज, तो यह चीज एक आज शुरू में कह दी थी मैंने वीडियो में भाई, कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर आपने मिलेगी। देख भाई दिखाइए जसबीर, ये पीछे मकान बन रहा है भाई का, ये कोई MLA या भाई मंत्री का मकान नहीं है, ये एक किसान का मकान है। हाँ, गलत तो नहीं कह रहा? या कोई ग्रांट जिम का कोठी नहीं बना रखी है, मेहनत से कोठी बना रखी, गलत तो नहीं कही जोर भाई? बाप दादा ही कमाई की है जी। कई बार कह नहीं दे है कि बोले भाई ईब चढ़ाई ला देगा। हाँ, ए सरकार मसाला हो गया, तो यह किसी ग्रांट की नहीं है, या मेहनत की है, खून पसीने की कमाई से मकान बना रखे हो। गलत से भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छे विचार भाई है, बहुत अच्छा लग गया मिलकाज। तो अब भाई डेयरी फार्म में मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल में भाई पर जानूंगा, पूरी जानकारी लेंगे। अब वीडियो ने बिना स्किप करे हुए हर एक पॉइंट आपने देखना, सौरभ भाई गलत तो नहीं कर रहा हूं? तो यो आ गया भाई, इसने कह दे है गंडासा, किते भाई इसने मशीन भी कह देते होंगे नार काटने की, अपने कुट्टी बोले हैं, कुट्टी अपने हरियाणा में गंडासा कहा अगल से, इव अंकल ने कह दे पंजाब वाला गंडासा। तो इसकी क्या विशेषता है बनी बता दे? यो भाई साहब गंडासा मंगवाया हमने पंजाब से। अच्छा, इस पर कुल खर्चा 41,000 का मोटर सुधा या मोटर है
इस पर जी दो मोटर हैं, एक तो जो बिजली चल है या अपने सोलर से चल है, या सोलर से चल है क्या पावर की है, या तीन की है भाई, तीन की है, सोलर क्या गलवा रखा है, पांच का सोलर, पांच किलोवाट का सोलर है। आज फिर क्यों करिए चाबी चुबी उजार के रखे हैं भाई, सर्दियों में थोड़ा चारा हो जाए कम, अच्छा जई वगैरह होगी तो उसने काटन खातर फिर यह काम दे दी है, हम सोलर से चला जाए। या मोटर इसकी गहलाई थी जसबीर दिखाइए भैया, ये अलग तली थी भाई, अच्छा यह अलग तली थी मोटर, एक वह मोटर है, मोटर क्या ये थी वह भाई 10,000 की मोटर। अरे ये गंडासा क्या का आया, ये 25 का आया भाई, गंडासा 25 का आया, 10,000 की मोटर, 5,000 कराया, 5,000 रुपया लगे करा पूरा, यानी कि कोई भाई पंजाब का वीडियो देख रहा है और पंजाब से अगर खरीदे तो कौन सी जगह है भाई, यो पंजाब में, यो भाई लुधियाना, लुधियाने में। देखो भाई एक भाई एक दिन मैंने कमेंट देखा था, बोला अजय भाई आप जिसको प्रमोट कर रहे हो एक प्रोडक्ट की ऐड आ गया भाई, राइट टच की बढ़िया प्रोडक्ट है, और देखो बढ़ते बेरा लगा किसी भी चीज का, इस कंपनी ने ना तो मैं न्यूज जानता भाई कौन सी कंपनी है, किसका यो प्रोडक्ट है, मैंने कौन सा इस पैड के पैसे को न लिए, अगर यो किसान के काम आने की चीज है तो मैं बेझिझक इसको दिखाऊंगा भाई साहब, गलत तो नहीं है, अगर इसमें किसान का फायदा है तो भाई हम इसने दिखाओगे, पहला धर्म हमारा यो बना है। तो भाई इसकी कीमत भाई ने बताई लुधियाने था 25,000 में आवा है यो, 25,000 इसकी कीमत थी, 5,000 किराया, 10,000 की मोटर आ गई। इव इसकी क्वालिटी में आपने दिखाई दू, सुपर नेपियर जो घास बोल रहे हैं वह बो रखी है खेत में भाई आपने, आड़े तो सीधी पासिंग इसकी खोर में है, वो और दिखा दू आपने, उड़े तो खटका दब यार सीधा, ये मान लो आजकल वे रेस्टोरेंट में नहीं जाओ है और टेबल पर देखो खाना हुआ रेल में, रेल में तो पशुआ खातर नहीं मान लो, या टेबल रेल बना दी है, टेबल ट्रेन बना दी है, यहाँ से सीधा खोरमा होगा, कै फुट तक की है भाई इसकी रेंज भाई, देखो 15 से 20 बगा दे, 15 से 20 बगा दे है, तो मान लो यहाँ तक आ जा भाई सब, और आगे तक आ जा है, यहाँ तक आ जाता भाई, यहाँ तक जो है इसका सीधा जो भाई जो या ज्वार काटेगा कुछ भी काटेंगे तो यारे तो ही फेंक दे यहाँ तक, फिर आगे अपना भाई सरका दो, तो यहाँ यहाँ तक कई बार ऐसा भी हो जाए भाई, चार डांगर पहले आड़ा बांध दे फिर बाद में आड़ा बांध दे, न्यू भी कर सके, आगे सरकाना चाहो तो आगे भी, छोरे ने टेक्निक किसी से इस्तेमाल कर दी है, न्यू मान लो जो करे पशुपालन विदेशा में नहीं आसान हो जाए है, इन्हें कनेडा वाली डेयरी कह सको भाई आप, अग्नि जसबीर कनेडा वाली डेयरी कह सके हैं, फिर आगे बात तूड़ेगी छैनी भी नहीं होता है, यह चीज मेरे पिताजी की देन देन है भाई, ये आपके पिताजी का दिमाग है भाई, ये देखो यो शामी जो है तूड़े वाला बना दिया खोर के बैक साइड में, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर 8 खुट्टे हैं तो 28 में ये आले छोड़ दिए, एक पर तो दो लकड़ जाए भाई 14 खुट्टे अपना सीधा कुछ नहीं, जेली ठाई और जितने की जरूरत हो यो काट लो है भाई, ये देखो काम आसान हो गया इस्त्रिया, इफ जाओ एक आदमी टोकरा भर भर लेके आओ है उड़े तो चक्कर कटने की जरूरत ना है, न्यू मान लो 5 सेंटीमीटर तो गट्टे हैं ये जी भाई, एक बात और भी है कई जगह नू करे हैं कि बीच में जगह छोड़े हैं दो खोरा के बीच में, तो जगह की बचत आपका हाथ में है, सही बात, किसी दूसरा की खपत नहीं होती खुद की खपत हो है, अच्छा तो वो कोई अपना अनुसार और इस तो बढ़िया भी कर सका है, इसी बात नहीं है इस तो भी बढ़िया हो सके, देखो भाई अपनी जगह देखो, और याद थी भाई समय की बचत, ये बात आ गई गोबर वाली, आड़े की आड़े आड़े में ऐसा कर दिया गोबर पेशाब और गोबर दोनों चीज पेशाब गोबर आड़ा कर दिया, एक जसबीर यो हटा दे इसका, यो इसका हटा के और इस बल ला दो तो पेशाब भी उसमें चला जाए, पेशाब भी इसमें जा गोबर भी इसमें जा, फिर इस तक फायदा लो आप भाई, इस तक जी आप बना गैस, अच्छा यो गोबर बढ़िया त्रिया गोल ने खतरिया ला रखी है, मोटर ला रखी है या है या बढ़िया त्रिया ने गोल का अग पास कर दे, यो गोलना जरूरी है जी नहीं तो गैस नहीं लग रही, नहीं तो गैस नहीं बनेगी, यो यहाँ तक गोल कहना भाई किसी से इसका टैंक, यो खुद इस धरती का मैं है भाई, कोई जगह नहीं पहुंचता, अच्छा इसमें धरती में है भाई, यो धरती के मैं है भाई, और यहाँ पर यो है इसका स्टोरेज है भाई, यो स्टोरेज है भाई, दिखाइए एक बार इसका जसबीर, यो मेन और इससे अगला है मेन स्टोरेज वो है और वो इसका नीचे तक है ताकि जगह खराब ना हो, ताकि जगह अच्छा देख लो एक बार, फिर ये गैस भाई साहब कहाँ तक जाओ है, गैस भाई ये पूरा डांगरा का सारा काम इस पर हो है, घर के भीतर भी जाओ, घर के अंदर भी जाओ है, और भाई जितना भी अपना चार्ट बखर जो भी तैयार करना है, देखिए जसबीर भाई ये गैस आ गई भाई, यो इतना
अच्छा यो इस तरह रहता है सारा इस तरह रहता है भाई। मान लो अगर इसने आपा या एलपीजी गैस हो है ना, नहीं ये जो घर आप नहीं जो आप घर यूज कर रहे हैं वो एलपीजी गैस हो, उसका 1,900 रुपया सिलेंडर हो गया। अगर वो सिलेंडर लावा तो हफ्ते में ही खत्म हो ले। और लकड़ी लाओ तो वो जी खपाता की ओड को नहीं उसमें, तो इसमें नहीं मान लो या चले जा 24 घंटे एक बजे आके दिखा देना यार। ले भाई इसमें पेंडोला सोयाबीन की चूरी जी, और ये चना का छोल कर है भाई। हाँ जी, और ये है अपने साधारण खड़ भाई। अच्छा हाँ ये देवा इन रांध कन है। हाँ जी, और जब दे हैं एक पशु की एक टाइम की के डाइट कितनी है अगर केजी में बात करूं तो? देखो भाई साहब यो डिपार्टमेंट में दुर नहीं, यो मेरा भाई संभाल रहा है। अच्छा यो भाई संभाल रहा है, सब में अपना अपना गुण है भाई, सही उसके अनुसार काम करो। बहुत बढ़िया, अपने काम बांट रखे हैं घर में काम। आज तक खोल लो भाई, इसने गैस ने खोल लो भाई, यो रेगुलेटर मान लेगा। ले भाई ये दड़ाओ, ये ले भाई दिखाइए तस्वीर कर देगा भाई इसने नीचे ने। 24 घंटे इतनी चाल सके हैं, इसमें थोड़ी सी लो हो जाए पर बाकी इसी बात नहीं होती कि भैया बुझ जाए। देख भाई भाई ने न्यू नहीं कही 1 तारीख करने दिन का दिवस तो थोड़ी और तेज हो जाए, लो हो जाए भाई मड़ी और जगदम थोड़ी कम बना है। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मियों में तो बक्कड़ पड़े है। अच्छा भाई बैठा को ना जाओ इसके नीचे, तो यो तकरीबन जो भी अपना तैयार करो चाट बखर यहीं पर सारा, सुबह का भी और शाम का भी उरे बने है जी। कल सुबह का भी इससे बनेगा और आज का भी बन रहा है, इससे बनेगा देख लिए भाई बिल्कुल बकड़ी है जमा है ना। हाँ जी टूटता सब्जी बनानी इकट्ठा चल रहा। अच्छा इस टाइम पे। हाँ जी, और एक बार हम गुवार जरूर खुवाया करा जड्डा में, जड्डे में। हाँ जी ये उड़ा गुवार है, दिखा दे भाई जसवीर ये कट्टा सारा गुवार का है भाई, ये तकरीबन जितने भी कट्टे हैं ये सारे गुवार का है भाई। बहुत बढ़िया भाई, तो आज भाई गीवा का है अपना, ये खड़बंदोड़ा है, ये सारी चीज उड़े तो इसे ही रोटी बना है। हाँ न्यू है भाई, इसके ऊपर सेकते तो आए थो नहीं, क्योंकि इनका दिन वो हो जाना भाई, मैं बाबा न्यू इस पर नहीं से क्या करना, इस पर करके चुल उस पर तवे तवे पर से क्या करना। अच्छा तो वे पर से किलो जो हां स्मेल वगैरह वो नहीं आवे। हां वो नहीं आवे, ठीक है भाई। न्यू को नहीं आज भाई हम से कहां माने रोटी कोनी हो चाहे हलवा बनाओ चाहे खीर बनाओ कुछ भी बनाओ तो इस मवाना होती है भाई, कोई नहीं बदे समय लावे कुछ भी वो कोनी। हां एकदम देख लो कितनी गावा है बढ़िया था यार, सारा दिन चल ही जाओ, सारा दिन चल ही जाता जब मार दो रंग चाट बत्ती गंदड़ी हो ना ताड़ा कम वो कर दे हैं भाई, जो कर आड़े का काम हो गया ये भी बंद हो गया, ये सब 5 बजे चलाऊंगी, ठीक ठीक है चाह बनाऊंगी जब चलाऊं से, ठीक है ताई तेरी रसोई बहुत बढ़िया लगी। तो भाई आज की वीडियो में बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा भाई सौरभ भाई की, जो ऐसी सोच थी कि भाई इस तरीके की मैं वीडियो बनवाऊं जिस तक कुछ ना कुछ नए पशुपालक भाई हैं जो आगे इस फील्ड में काम करना चाहूँ उसने कुछ नॉलेज मिले। तो आज की वीडियो में कौन सी बात आपने अच्छी लगी, देखो भाई दुधारू पशु भी भाई के पास में अच्छे अच्छे दूध के बढ़िया दूध के पशु भी भाई के पास में तैयार हैं, और भाई इसी तरह आप काम करके जिसमें आपकी जो बचत आ जाएगी, अगर गैस गैस की बात भी करें तो महीने में 5-6 हज़ार की वह बचगी तो कितने ना कितने कम आवे। देखो भाई साहब मैं तो नहीं सोचू था मन ने दो बात आप तो उधर सीखनी पड़े, आपको हो तो शायद थोड़ा है ठीक सा काम हो भी, क्योंकि हम तो रोज कादी हो रहे हैं जी, दूसरा ने आके थोड़ा बात अच्छा और बुरा लग सके। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने, तो कौन सी चीज बढ़िया लगी भाई, एक आधा कोई और तरीका ऐसा हो जो आप नाता हो सौरभ ना बेरा वो भी भाई ने फोन करके जरूर बताइयो। फोन नंबर क्या भाई अपना? भाई पिताजी का लिख लियो, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान है, मैं तो बस न्यू बुला दो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके देन कतर। अच्छा जी चलो बताओ भाई साहब। 9463-45-248 के नाम अंकल जी का? रमेश नाम है, सुनो घिसाराम सुंदरेटी। अच्छा जी सुंदरेटी गांव है, जला जज्जर में गांव है, तो कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो भाई इस नंबर पर कॉल कर लियो। एक बात बता दूं, ना कोई सेल परचेज का काम है ना कोई पशु सेल के लिए उपलब्ध है, अगर इनमें से कोई जानकारी चाहते हो तो कॉल कर लियो और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। राम राम सारे ने, राम राम सब ने, राम राम।